গরু বোঝাই কন্টেনার গাড়ি ধরা পড়ল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে। গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা মঙ্গলবার ভোররাতে এই কন্টেনার আটকে দেয়। অভিযোগ, বিহারের ঔরঙ্গাবাদে গরুর হাট থেকে এই গরুগুলি কেনা হয়, এখান থেকে বাংলাদেশে পাচার হয়। অভিযোগ, বীরভূম মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে এই গরু পাচার হয়। পার্সেলের ভারী জিনিসপত্র বোঝাই কন্টেনারের আড়ালে গরু জাতীয় সড়ক ধরে বীরভূম হয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। গাড়ি ধরা পড়তেই চালক ও খালাসি পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে। सूचना मिला था कि आज एक हफ्ते से तकरीबन कई गाड़ियां रोज पार हो रही है, अवैध तरीके से गाय लदी हुई है, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन यहां प्रशासन बोलिए या जो बोलिए, कई बार प्रेस में भी आया लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आज सूचना मिला कि 3-4 गाड़ियां लगातार निकलने वाली है। हम लोग रुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे, गाड़ी का नंबर मिला तो हम लोग ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं। किस तरह से करते हैं पशु तस्करी लोग? तस्करी ये देख रहे हैं, अवैध रूप से कंटेनर पैक है और डाक पार्सल लिखा हुआ है इस पे, लेकिन अंदर में जानवर मवेशी भरा पड़ा है। अब बहुत सारा अनलिमिटेड, मतलब कोई भी दारू नहीं है। आप भी तो चढ़ के देखे ही, ये सारा जो है सूचना दिया आप लोग प्रशासन को दिए, लेकिन अब हो सकता है रात का टाइम हो। प्रभारी साहब को, बरवड्डा थाना प्रभारी को फोन किया, फोन उठाए नहीं। लास्ट में DGP कंट्रोल रूम में फोन करना पड़ा, कोई फोन पिक करता नहीं है। अब जो भी प्रॉब्लम रहा हो, रात का बात है या जो भी है, फोन कोई पिक नहीं कर रहा है। पेट्रोलिंग अभी आई थी, हम लोगों के ऊपर ही छोड़कर चली गई, बोली आप लोग ही रुकिए, थाना प्रभारी आएंगे तो कोई कार्यवाही होगी। ये खेल किस तरह से चल रहा है जीटी रोड? ये अवैध रूप से, ये यहाँ से नहीं आता, बहुत पीछे से आता है। औरंगाबाद, चौसा, कई जगह से पता लगा है कि मेला लगता है, वहाँ से जो दुधारू पशु नहीं है उसको अवैध तरीके से लेकर, मेला से खरीद कर लेकर बांग्लादेश ये सब ले जाया जाता है काटने के लिए, वहाँ इनका वध किया जाता है। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।